Find the ratio of area of in circle. Find the ratio of area of in circle and circumcircle of a square. Find the ratio of area of in circle and circumcircle of a square. क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? हाँ जी, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बन रहा है और एक स्क्वायर के बाहर सर्कल बन रहा है। जो दोनों ही सर्कल बन रहे हैं, एक इन सर्कल और एक सर्कम सर्कल, दोनों के एरियाज की रेशियो निकालनी, कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है? तो आपने रिलेशन फाइंड करना है कि स्टार्ट कैसे करेंगे। ये स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, इसका एरिया, एक सर्कल बाहर है, एक इसका एरिया, अंदर वाले सर्कल का इन सर्कल हो गया, बाहर वाला सर्कल इधर, कमीज से बैठ, इस सर्कल का एरिया और बाहर वाले सर्कल का एरिया, दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। Find the ratio of area of in circle and circumcircle of a square. ठीक है? कोई information नहीं given, क्या side है, कुछ भी given नहीं। अब यहाँ देखो, अगर आपको ये side हम x suppose कर ले, तो अंदर वाले circle का diameter भी x आ जाएगा। अरे कहीं से तो start करना है ना? Circle का area find करना है, और circle के area के लिए क्या चाहिए? रेडियस के लिए पहले डायमीटर आ गया, इसका रेडियस कितना आ जाएगा? एक्स वाई, इधर से एरिया निकालना, अलग से मत फाइंड करना, फर्स्ट एरिया अपॉन सेकंड एरिया लिख के ऐसे, एरिया वन अपॉन एरिया टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज एक्स बाय टू होल स्क्वायर, ऐसे सेकंड वाले सर्कल का एरिया। अब बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालना, वो कहां से आएगा? डायगनल से। देखो इधर, अगर इसकी जगह आपके, आपको ये पता है कि आपने इसकी साइड एक्स ली है, एक्स ली है, यहां से ये फाइंड कर सकते हो, ये क्या आएगा? मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, हाँ, रूट टू एक्स या एक्स रूट टू, ठीक है? ये आ गया। आप डायरेक्ट यूज करना, आप फाइंड मत करने लग जाना, आप लर्न ही कर लो, ये डायरेक्ट यूज कर लेना। ये जो डायगनल आया है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। ये जो डायगनल आया है स्क्वायर का, ये बड़े वाले सर्कल का क्या बन रहा है? डायमीटर। इसका हाफ कर दो, क्या बन जाएगा? एक्स रूट टू बाय टू। तो ये क्या आ गया? बड़े वाले सर्कल का रेडियस आ गया पाई रूट टू एक्स बाय टू होल स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, चलो पाई से पाई कैंसिल करो, दोनों का स्क्वायर करो, कटिंग करके आंसर बोलो क्या आएगा। वन रेशो, अरमान सीधे बैठो, इतना क्या कर रही है? वो नहीं करना, लर्न कर लो, एक नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करने बैठ जाओगे फिर। वन रेशो टू, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो भी सेम टाइप का है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर के अंदर इन सर्कल और सर्कम सर्कल बनाया, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल और सर्कम सर्कल के एरियाज की रेशियो निकाल। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे यहाँ यूज किया है कि अगर साइड एक्स है तो इसका जो डायमीटर होगा या डायगनल होगा उसकी लेंथ रूट टू साइड, रूट टू साइड होती है। ऐसी जो अब एक और फॉर्मूला करेंगे वो भी स्टैंडर्ड है, वो लर्न करना, ठीक है? फर्स्ट टाइम ही है ये फॉर्मूला, आप भी देखोगे, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि पहले हम फाइंड करने में कुछ सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने
डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आपने क्योंकि वन नंबर के क्वेश्चन है ना तो फाइंड नहीं कर सकते आप, आपको लर्न ही करना पड़ेगा। देखो इधर कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इन सर्कल है, इसका इसका एरिया की रेशियो, एक बाहर सर्कल बन रहा है इसके साथ फाइंड करेंगे, छोटे वाले सर्कल के एरिया की रेशियो बड़े वाले सर्कल के साथ फाइंड करेंगे। अब देखो इसमें एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सबसे पहले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो अल्टीट्यूड होता है उसकी लेंथ आपको पता है, मैंने पूछा भी था एक बार आपसे अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है, बता सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइड, एरिया होता है रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर और अल्टीट्यूड होता है रूट थ्री बाय टू इंटू साइड, ये अल्टीट्यूड की लेंथ है रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइड। ठीक है, अब देखो इधर ये पूरा अल्टीट्यूड है, अब आपको क्या चाहिए कि ये जो अल्टीट्यूड है ना इसकी लेंथ आपने निकाली, अब आपको इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस चाहिए। आपको ये तो पता है कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, क्या हुआ ये? वैसे सर्कल चैप्टर का रिजल्ट है कि रेडियस जो होता है सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट बनती है लाइन एक पॉइंट से पास करती हुई, ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अब आपने ये अल्टीट्यूड है, तो इसका मतलब अल्टीट्यूड और ये जो लाइन है रेडियस वाली ये कॉमन है, क्योंकि वो भी 90 बना रही है, वो भी 90 बना रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, अब यहाँ देखो आपके सामने ये पूरा अल्टीट्यूड है, एक ये गैप हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसका मतलब ये जो रेडियस होता है ये वन थर्ड होता है अल्टीट्यूड की लेंथ। ये फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ इन सर्कल इज वन थर्ड ऑफ द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। बात समझ आई? अगर ये वन थर्ड है तो बाहर वाले सर्कल, ये बाहर वाले सर्कल का भी तो रेडियस हो गया ये वाला, ये कितना होगा? अगर ये वन थर्ड है, ये छोटे सर्कल का रेडियस है, ये सेंटर से ये वाला टू थर्ड, क्लियर है? टोटल ये लेंथ थी रूट थ्री बाय टू इंटू साइड, साइड सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है दैट इज वन थर्ड ऑफ दिस, ठीक है, और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है दैट विल बी टू थर्ड ऑफ द अल्टीट्यूड। क्लियर है? दोनों का रेडियस मिल गया, अब रेशियो निकालना। अब रेशियो निकालने के लिए दोनों सर्कल के एरिया का फॉर्मूला लगाना है। पहले वाले सर्कल का रेडियस क्या आएगा, हर्ष जी बोलना, पहले सर्कल का रेडियस क्या आएगा, इन सर्कल का रेडियस अभी मैंने बोला है, क्या आएगा कृतिका? अल्टीट्यूड हो रहा, बताओ क्या आएगा, क्या बन जाएगा? ध्यान कहाँ है? घर से तो आ गए, किस किस लिए आए हो? पता नहीं किसको देख रहे हो, सैनिटाइजर वगैरह पहली बार देखा है? कुछ ज्यादा सोच रहे हो, वो तो सारा दिन कुछ सोचता रहता है, पता नहीं क्या, बिल्कुल ध्यान नहीं है, कहीं और ही है तू, पता चल रहा है साफ? रूट थ्री अपॉन सिक्स साइड एक्स। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि इन सर्कल का जो रेडियस होता है वो वन थर्ड ऑफ द अल्टीट्यूड होता है, अल्टीट्यूड वो लिख दिया, उसका वन थर्ड कर लो, वन थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे रूट थ्री बाय सिक्स एक्स। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस आएगा सर्कम सर्कल का वो आएगा टू थर्ड ऑफ अल्टीट्यूड, टू थर्ड करके क्या आएगा, इसका टू थर्ड करोगे क्या आएगा, इसकी कटिंग कर लो वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री एक्स। ठीक है, थ्री का मीनिंग क्या होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, एक रूट थ्री कैंसिल कर दिया, वन बाय रूट थ्री बच गया। ये आउटर सर्कल का रेडियस है, इनर सर्कल का रूट थ्री बाय सिक्स इंटू साइड बताया, फॉर्मूला लगाओ ऐसे ही एरिया का, कटिंग करके आंसर बोलो क्या आएगा।
बैठो, वन रेशो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में रिवाइज कर लेना, ऐसे ही मत आ जाना, ठीक है? दोबारा दोबारा नहीं, टाइम यही चीजें दोबारा नहीं होंगी। दोनों एरिया सर्कल के एरिया की रेशियो निकालो, इन सर्कल अपॉन सर्कम सर्कल। इन सर्कल का रेडियस है √3/6 साइड स्क्वायर, इसका 1/√3 x स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, √3 का स्क्वायर 3/36 एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/3 x स्क्वायर, ये कैंसिल। बैठ जाओ आराम से। देखो नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 21। सेमी सर्कल है, इसमें एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल फाइंड करना है, लार्जेस्ट ट्रायंगल। या रेस्ट एरिया निकाल, रेडियस 21 है, ये भी 21 हो गया, ये भी तो 21 है, 21 है कि नहीं? सारे पॉइंट का डिस्टेंस 21 ही है ना। ये बेस कितना आएगा, हाइट? ये परपेंडिकुलर होते हैं क्यों? एक डायमीटर है और एक रेडियस है, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू, एक और तरीका भी तो है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो ये राइट एंगल यहाँ बन रहा है, हाफ इनटू राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये भी ले सकते हो, लेकिन ये आपके पास है नहीं, इसलिए ये नहीं लगा रहे, इसलिए ये वाला लगा, ठीक है? अगर ये गिवन होती तो लगा सकते थे, फाइंड भी कर सकते हैं। कैसे? ये 21 है, ये 21 है, ये कितनी आएगी? 21√2, ये भी 21√2, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट भी कर सकते हैं। बात समझ आई है? क्या समझ आया है बोलो? हाँ समझाओ मुझे, पहले इसको नीचे करो मास्क। चलो मैं इतना चाहूँ तो समझाए, दो मेथड बताएं, बेस कौन सा लेंगे? अच्छा बेस क्या लेंगे थे, यहाँ हाफ इंटू 42 पूरा बेस और हाइट। हाँ, और अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना हो तो कौन सा रिजल्ट आई? अच्छा 90 कैसे आ रहा है ऊपर वाला एंगल? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ तो सही बोलो ना, सेमी रिजल्ट क्या है? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हाँ बेस क्या होगा उसमें, अगर वो वाला ट्रायंगल ऊपर से लेते हैं तो? पता ही नहीं, वो कैसे फाइंड करेंगे? अभी बताई थी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे? रिजल्ट है ये कि अगर साइड जो इक्वल है तो तीसरे वाली जो है वो क्या आती है? √2, ठीक है? तो वहां से आपके पास आ जाएगी 21√2 आ जाएगी। क्लियर है ये? हाँ जी हाँ जी। आंसर क्या आ रहा है? किया ही नहीं होगा। 441,
हाफ इंटू 42 इंटू 21 441। इधर देखो हेक्सागन दिया हुआ है, यहाँ पे ना सर्कल फॉर्म है ऐसे ही सारी जगह। फॉर्मूला बता सकते हो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सबका 360 पेंटागन का होता है, हेक्सागन का एक फॉर्मूला भी तो होता है, 8th क्लास में करके आए हो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में। n माइनस 2 इंटू 180 कितने ट्राइंगल्स बनते हैं, नॉन ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स, n माइनस 2। हेक्सागन बन रहा है कितनी साइड्स हैं, 6 n माइनस 2 मैंने बोला आपको, ये करोगे क्या आ जाएगा 4, सम निकालने के लिए 720, सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है 720। अगर सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 720 है तो ईच एंगल कितना होगा, ईच एंगल 720 डिवाइडेड बाय 6 120, ईच इंटीरियर एंगल इज 120। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, जितने ट्रायंगल बनते हैं, देखो इधर एक मिनट सुनो, इधर सपोज ये एक वर्टेक्स है, मैंने इससे इसको ज्वाइन कर दिया, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। किसी भी चीज में नॉन ओवरलैपिंग जो ट्रायंगल्स बनते हैं किसी पॉलीगन में, वो n माइनस 2 बनते हैं, 6 साइड्स हैं, 6 माइनस 2 करोगे 4 ट्रायंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है एंगल का 180, तो 4 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दिया किसने किया, ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, क्लियर। एक और बात, एक फॉर्मूला और भी किया हुआ है आपने, किसी एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ पॉलीगन एन माइनस 3। देखो इधर ये कितने हैं, एक एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनाए हैं, 1 2 3। फॉर्मूला मैंने बोला एन माइनस 3, 6 माइनस 3 3 बन रहे हैं, ठीक है, ऐसे हर किसी के 3 3 बनेंगे, कुछ सेम भी होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, एक और फॉर्मूला है, ये तो एक वर्टेक्स से फॉर्मूला है ना, एक वर्टेक्स से कितने डायगोनल बनते हैं, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनते हैं किसी पॉलीगन के, उसका फॉर्मूला है, नहीं यही है, एन माइनस 3 एन इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। एन माइनस 3 है एक डायगोनल से, एक वर्टेक्स से टोटल कितने बनते हैं वो इसमें पुट करके आ जाता है, इसको लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस 3 एन अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो, तब तो आप स्कूल भी आते थे, तो तब भी कुछ नहीं आता, 9 तो चलो मान लिया, सो के बिता दिया आपने, 8th में क्या किया, तब भी कुछ नहीं किया है? तो ये याद रखने वाली चीजें, आगे एग्जाम्स हो गए कॉम्पिटेटिव, ये सब फॉर्मूले वही यूज होंगे, देखना सारे होंगे यही वाले फॉर्मूले, ठीक है। मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन किसी भी पॉलीगन के, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स फ्रॉम वन वर्टेक्स, ये बताया सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, फिर ये भी बता दो ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, तो अच्छा ये बताओ फिर, ये नहीं बता दो, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन के, 360, तो 360 बाय एन अगर कर देते हो तो एक एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, ये तो सबसे इजी फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे इजी फॉर्मूला वही यही वाला ये जो बोला है अभी, 360 अपॉन एन, ये फॉर्मूला किसका है, ईच एक्सटीरियर एंगल, जैसे ये टोटल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ना, ऐसे ही टोटल एक्सटीरियर एंगल होती है 360, उसको अगर एन से डिवाइड कर दो तो एक एक्सटीरियर एंगल आ जाता है। चांद ध्यान का है, छोड़ दे उसको, इधर देखो फिर ये आ गया ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो इधर, अभी हम क्वेश्चन पे हम क्या कर रहे थे, हमें ये जितने भी सेक्टर बन रहे हैं ना, ये इनका एरिया निकालना, एक सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, उसका 6 टाइम्स कर लेना। एक और बात, ये चलो रहना दो, छोड़ो, देखो इधर कितने सेक्टर बन रहे हैं, 6, एक सेक्टर का एरिया निकालने के लिए
फॉर्मूला क्या लगेगा? दीक्षा बोलो, थीटा कितना है? 120। रेडियस? रेडियस गिवन नहीं है, आर लेके चलो, ठीक है? गिवन नहीं है कुछ भी, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ ये फिगर ड्रॉ है, कहता है ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालो, आर ही ले लेना। अच्छा सपोज करो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, आपको ये कुछ भी नहीं पता, आपको याद ही नहीं है, फिर आप कैसे करोगे? एक चीज आपको याद है, ये देखो इधर, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये क्या बनाया मैंने? नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, उसके सेंटर से मैंने वर्टेक्स को ज्वाइन किया। ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है सिमेट्री चैप्टर में, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है? उसमें यहाँ 120, 120, 120 होता है, ऐसे यहाँ पर भी तो 120 बन रहा है, तो 120 अगर तीन मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक ट्राइंगल बनता है, मतलब एक सेंट्रल एंगल बनता है, ठीक है? मतलब एक सर्कल फॉर्म होता है, ये मतलब है। 120, 120, 120 जब कंबाइन करते हो 360 बनता है, मतलब एक सर्कल बन गया। ऐसे ये तीनों को ज्वाइन करके एक सर्कल बन जाएगा, तो टोटल कितने सर्कल हो गए? दो सर्कल हो गए। एक सर्कल का एरिया क्या होता है? दो सर्कल का एरिया क्या होगा? इसका आंसर 2πr² है, ठीक है? ऐसे भी कर सकते हैं, और जो फॉर्मूला बताया इतना बड़ा वो भी कर सकते हैं, एक सेक्टर का एरिया मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर यही आएगा, ठीक है? ठीक है, आंसर लिख लो, ये भी लगा सकते हो वैसे वर्बली काउंट करके, नहीं तो इंटीरियर एंगल आ गए 720, एक एंगल आ गया 120, एक सेक्टर का एरिया निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, क्योंकि 6 सेक्टर बन रहे। आज कई तो ये सोच रहे होंगे कि हो क्या रहा है, पाई की वैल्यू, पाई रहने तो कुछ भी नहीं दिया हुआ, आर भी नहीं है, करना क्या है फिर? जो मर्जी लगाओ ऑप्शन में, जो ढूंढोगे फिर बैठ के, हाँ रहने दो, वही वाला कर लो। ये तो मैंने वैसे ही बताया कि अगर सोचो थोड़ा सा तो इजी है, वैसे वही कर लो, फॉर्मूले वाला कर लो, इन्होंने भी वही किया, मैं तो वैसे सोचा कि वैसे भी हो सकता है। चलो लिखो आप नेक्स्ट। अच्छा एक चीज आपको करवानी थी, आपने देखा होगा सिलेबस में वो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, फोर टाइप एजर्शन टाइप क्वेश्चन जो आप साइंस में करते हो वो भी है, मैं एक दो करवा देती हूँ, ठीक है? और मैं ना आपको ये सैंपल पेपर है इससे भेज दूंगी, वो क्वेश्चन आप रीड कर लेना, 2πr² डीआर शर्मा, ब्रिलियंट, बहुत सारे सैंपल पेपर आए हैं इस बार। हाँ जी लिखो जरा क्वेश्चन, आपने ये क्वेश्चन साइंस में भी किए हुए हैं एजर्शन वाले, ऐसे ही है सेम, मैं दो करवा देती हूँ और मैं ना आपको ये सैंपल पेपर है इससे पिक सेंड कर दूंगी, ये कर लेना आप, ठीक है? इसमें दे रखे हैं काफी सारे, ये आप कर लेना आज जाके, ठीक है? फिर ये रिवाइज हो जाएगा आपका, कुछ पूछना हो तो। हाँ वैसे उसी के अकॉर्डिंग मैं करवा रही हूँ, अभी पता नहीं, अभी न्यू सैंपल पेपर की वजह से अब आ गए हैं ना, मेरे ख्याल से 50 का ही होगा, ठीक है? चलो लिखो, आ रहे हैं न्यू, एक दो दिन तक मिल जाएंगे आपको, ठीक है? फिर करवा लेना इशू, अभी ना एक एक कॉपी ही आई है, वो हमने इशू करवाई है, अभी आ जाएंगे 1 वीक में, वो कह रहे थे आ जाएंगे, और फिर जब आ जाएंगे तब आप भी इशू करवा लेना। वैसे हम सब कुछ ढूंढ के करवा ही रहे हैं आपको कि कुछ रह ना जाए, न्यू है ना सब कुछ, इसलिए। चलो लिखो, मैं आपको सेंड कर दूंगी पूरे चैप्टर की पीडीएफ इसमें से, आज आप रीड कर लेना, 2πr², ठीक है? चलो लिखो, फोर स्टेटमेंट्स है, पहले नोट कर लो। फर्स्ट स्टेटमेंट, पहले ये जो दे रखा है ना आपके पास, फोर रिजल्ट दिए होते हैं जिसके आपने अकॉर्डिंग आपने बताना होता है कि ए ट्रू है, बी सी डी, जो ऑप्शंस है पहले मैं वो बता रही हूँ, लिखो क्या कह रहे हैं, assertion वाले। इफ फर्स्ट लिखो ए पार्ट, इफ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, इफ बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू
इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. दोनों स्टेटमेंट वन और टू जो है वो ट्रू है, और जो स्टेटमेंट टू है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन की. ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपका ए रिजल्ट वाला फॉलो होगा. सेकेंड लिखो बी पार्ट. बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. पहले में करेक्ट स्टेटमेंट थी, अब वाली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है. मतलब वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट वन टू को एस वन एस टू लिख लेना, बार बार पूरा पूरा मत लिखो. सी पार्ट. इफ स्टेटमेंट वन इज ट्रू स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. डी पार्ट. इफ स्टेटमेंट वन इज फॉल्स टू इज ट्रू. अब क्वेश्चन लिखो. अब ये जो आपने फोर रिजल्ट लिखे है ना, ये ए बी सी डी ऑप्शन है. अब जो क्वेश्चन आएगा ना उसको सॉल्व करके आपने ये बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आंसर करेक्ट है. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन वन में दो स्टेटमेंट है. पहले स्टेटमेंट वन लिखो. द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हूज सर्कमफ्रेंस is 22 centimeter is 77 by 8 centimeter square. The area of the quadrant whose circumference is 22 is 77 by 8 centimeter square. क्या मतलब है जोर शुरू क्वेश्चन का? एरिया इतना. ये क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस है, ये सिर्फ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है. क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस 22 है, इसका एरिया ये है. ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है भी सही कि नहीं. ठीक होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चूज करोगे. अब सेकंड स्टेटमेंट लिखो. इफ आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. सेकंड स्टेटमेंट. इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन एरिया ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर स्क्वायर. सर्कल देन एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर. ये ठीक है स्टेटमेंट? एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है तो सेकंड तो फॉल्स ही है ना. ठीक है, अब फर्स्ट को चेक कर लो. करो फर्स्ट को चेक. ठीक है, हाँ हाँ जी ठीक है. स्टेटमेंट वन इज ट्रू, ये ठीक है, बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. तो सी ऑप्शन इसका आंसर है. 22. आप बताओ क्या होगा, क्या होगा 22? क्या दे रखा है? कौन सा कर्व्ड की दोनों वो वाला भी कौन सा ये दे रखा है? तीनों कि सिर्फ ये? सिर्फ वो कर्व्ड. एक्चुअली सर्कमफ्रेंस लिखा ना, कल क्वेश्चन किया तो था, पेरीमीटर लिखा था. जो पेरीमीटर लिखा होगा तो रेडियस प्लस ये पोर्शन पाई आर बाय टू. टू पाई आर बाय फोर होता है ना, तो पाई आर बाय टू. ठीक है, लेकिन अभी सर्कमफ्रेंस लिखा है, मतलब ये क्या दे रखा है? सिर्फ आपको ये दे रखा है. ये क्या होता है? ये पूरे सर्कल का क्या कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट. तो टू पाई आर बाय फोर का इसको कटिंग करके पाई आर बाय टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा. तो रेडियस निकाल लेना. ठीक है, रेडियस को यूज करके एरिया चेक कर लेना. क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्या होता है? पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट, वन बाय फोर पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये क्लियर है कि स्टेटमेंट इसका सी आंसर है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स. एक और क्वेश्चन लिखो. एबीसीडी ऑप्शन सेम है. सेकंड क्वेश्चन लिखो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट. इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल
इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 14, इफ द डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 14, इट्स पेरीमीटर इज 22. कर लो पहले ये पार्ट, देख लो ट्रू है कि नहीं. डायमीटर दिया हुआ है, कहता है उसका पेरीमीटर 22 होगा, चेक करो ठीक है कि नहीं. रेडियस कितना आएगा? 7. और पेरीमीटर क्या होता है सेमी सर्कल का, क्या होता है? पाई आर प्लस डी. पाई आर प्लस डी ट्वेंटी टू. ठीक है, अभी रुको, अभी सेकंड तो लिख लो, अभी सेकंड स्टेटमेंट लिखो. अच्छा चलो, द नंबर ऑफ टाइम्स, ये सुन लो, क्वेश्चन नहीं है सॉल्व करने वाला, सुनो फॉर्मूला है. कहता है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय व्हील इन 1 मिनट इज डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस. यही फॉर्मूला ही होता है. yes. यही फॉर्मूला ही होता है. एन इंटू सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. अब मैंने बोला एन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस, तो ठीक तो है, मतलब बी पार्ट है इसका आंसर. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आंसर है. इफ नहीं, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द व्हील इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस. डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफेरेंस. ठीक है, ये क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगी, ये रीड कर लेना, एक तो सॉल्व कर लेना. ऐसे ही नहीं कि हो मैंने भेज दिया आपका काम हो गया, सॉल्व कर लेना. हमारी तरफ से हो गया, आप करो या ना करो आपकी मर्जी है. और इस चैप्टर में 25 MCQs दे रखे हैं, अनसॉल्व है. मैं आपको सेंड करूंगी आंसर की, मैं आपको कल सेंड करूंगी, सॉल्व आज आप कर लेना, और आपका टेस्ट भी आज. हाँ जी, यही सेंड कर दूं, यही 25 MCQ सेंड कर दूं, आप सॉल्व कर लेना. वो वाला टेस्ट नहीं भेजूंगी, ये भेज देती हूँ. 20 भेज दूंगी, चलो ठीक है. और आंसर की कल सेंड कर दूं, चेक कर लेना. गूगल फॉर्म में नहीं, सिंपल PDF सेंड करूंगी. चलो मैं देखती हूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं टेस्ट लिंक सेंड करूं, क्योंकि मेरे को आंसर मिल जाते हैं, मतलब आपका रिस्पॉन्स आ जाता है उससे. चलो मैं देखती हूँ.